एक्सोस टेक्निक के चैनल में आपका स्वागत है। यह हमारा पहला वीडियो है, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही साइंस वीडियोस, हाउ टू वीडियोस और भी नए नए आपके खिदमत में अपलोड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसको आप HD क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड टाइम के लिए। इस काम के लिए हम एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जिसका नाम है कोरल वीडियो स्टूडियो X9 अल्टीमेट। हालांकि ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगा है, लेकिन हम आपको इसे मुफ्त में यूज करने का एक मतलब ट्रिक बताएंगे। और इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको स्क्रीन कैप्चर को करने को मिलेगा, जिससे आप HD क्वालिटी में स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड टाइम के लिए। अब देखिए होता है क्या है, हम इंटरनेट से कोई भी मतलब फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसमें किसी किसी सॉफ्टवेयर में तो ऐसा होता है कि वाटरमार्क लगा हुआ होता है आपके वीडियो पर, और दूसरे स्क्रीन रिकॉर्डर से आपको सिर्फ कुछ चंद मिनटों के लिए या 15 मिनट, 9 मिनट ऐसे समय के लिए रिकॉर्ड करने को मिलते हैं। मगर आप अगर ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो हम इस ट्रिक से आपको फायदा मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले या दूसरे लिंक से आप ये जो सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड कर लीजिए। पहले लिंक से आप 64-bit सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे लिंक से 32-bit। चलिए ये आप पहले लिंक कॉपी कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से और अपने ब्राउज़र में जाके पेस्ट कीजिए। जैसे कि ये मेरा ब्राउज़र है, आप यहाँ पे ये लिंक पेस्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, तब आपको ऐसा एक पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको 5 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। 5 सेकेंड वेट करने के बाद इस स्किप एड बटन में आप क्लिक कीजिएगा। स्किप एड बटन, और यहाँ से आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है कोरल वीडियो स्टूडियो X9 अल्टीमेट। ये सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़ा है, 993 MB का, लेकिन आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर फ्री में कुछ करना चाहते हैं तो कुछ तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक रेयर फाइल मिलेगा। रेयर, ये देखिए रेयर फाइल, रेयर आप यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिंक में देंगे तीसरे डिस्क्रिप्शन में देंगे तीसरे लिंक को कॉपी कीजिए और इसे ब्राउजर में पेस्ट करके एंटर क्लिक कीजिए। सेम आगे जैसे आपको फिर से एक पेज मिलेगा, यहाँ आपको 5 सेकेंड वेट करना पड़ेगा और फिर स्किप एड पे क्लिक कीजिए, आपको एक नया पेज में लिया जाएगा। और इससे आपको और एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को मिलेगा जिसका नाम है कीजेन। मतलब इससे हम उस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का जो प्रोडक्ट की है वो हम फ्री में जनरेट कर सकेंगे, जिससे हम वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकें। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक छोटा सा फाइल डाउनलोड करने को मिलेगा, EXE कीजेन फाइल, तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, और जैसा कि पहले हमने कहा था कि आप जब पहले लिंक से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो आपको वो एक रेयर फाइल में मिलेगा, रेयर फाइल, तो उसको तो आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चौथा जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उसको आप क्लिक करके एक एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं WinRAR, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ है, ये देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है इससे आप वो सॉफ्टवेयर मतलब वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या कोई भी रेयर फाइल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक से ये सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर लीजिए अगर
आपके पास नहीं है, वरना आप इसके बाद के स्टेप को फॉलो कीजिए। जब आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे और फिर उस विनरार से आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तब आपको ऐसा एक फोल्डर मिलेगा और फिर कीजन मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, पहले जो बड़ा सॉफ्टवेयर मिलेगा वीडियो एडिटिंग, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। सेटअप में जाइए और यहाँ पे एक सेटअप फाइल है, वो इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि हाँ ये आ गया, ये कोरल वीडियो स्टूडियो X9, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि इंस्टॉलर फिर लोड हो रहा है, कोई भी जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं वैसा ही इंटरफेस है। नेक्स्ट नेक्स्ट मार के करके चले जाना चाहिए और इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट करता हूँ, फिर से नेक्स्ट, ऐसे ऐसे नेक्स्ट करके इंस्टॉल नाउ अभी बोल रहा है, ये सब छोड़ दीजिए जैसा है, इंस्टॉल नाउ क्लिक कीजिए और वो इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा समय लगेगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारा सॉफ्टवेयर जो है कोरल वीडियो स्टूडियो X9 अल्टीमेट, वो अभी इंस्टॉल हो चुका है। हमने वीडियो पॉज किया था इंस्टॉल होने के लिए, थोड़ा समय लगा। उसके बाद आप यहाँ फिनिश पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ये जो सॉफ्टवेयर है उसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो आपको जो कॉल वीडियो स्टूडियो है उसको ओपन करना पड़ेगा। और एक बात बता दूँ, जैसे कि हम ये एक मतलब कीजन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आप अगर अपना इंटरनेट ब्लॉक करके उसके बाद का स्टेप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा। तो चलिए पहले कोरल वीडियो स्टूडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्या करना है आपको दिखाएंगे। आपको ऐसे बता दें कि आप देख सकते हैं कि एक कोरल स्क्रीन कैप्चर का आइकन बन गया है, उसी से आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जो है इससे आप वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे ढंग से करता है। और आप कोरल वीडियो स्टूडियो से कैसे अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं वो हम आपको बाद में एक वीडियो में समझाएंगे। तो पहले इसे ओपन कीजिए। ओके पे क्लिक कीजिए। आगे यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, जब ऐसा एक पेज मिल जाएगा तो आपको पहले एक बार आपको शायद नहीं मिलेगा यहाँ पे, पहले जब आप एक बार इसको ओपन करेंगे तो कैंसिल कर दीजिए और फिर से क्लिक कीजिए। और यहाँ पे आप रजिस्टर लेटर पे क्लिक कीजिए और कंटिन्यू, तब वो आपका जो सॉफ्टवेयर वो लोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि लोड हो रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर अभी लोड हो चुका है। तो आपको क्या करना होगा कि कुछ नहीं करना है आपको, ये एक मैं बता दूं कि ये एक ट्रायल वर्जन है, इससे आपको कुछ फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो आप इसका मतलब हमारा आप उसका की जनरेट करना है, इसलिए आप इसे एक बार एग्जिट कर दीजिए। एग्जिट हो गया। यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई देगा ऑलरेडी परचेज लिखा हुआ, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 30 डेज लेफ्ट, मतलब आप ये जो ट्रायल सॉफ्टवेयर है उसको आप सिर्फ 30 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो हमें तो उसके बाद भी यूज़ करना है, हमें बहुत ज़रूरत है इस सॉफ्टवेयर का, तो और ये बहुत महंगा सॉफ्टवेयर नहीं ले सकते, इसलिए हम अभी आपको मेन ट्रिक दिखा रहे हैं। आप यहाँ ऑलरेडी परचेज एक लिंक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। हाँ उसके बाद क्या करना है ये देखते हैं। At start or when you exit, you will get a window at bottom left. Already purchased. जब अभी हमने क्लिक किया है और उसके बाद हमको enter, click on enter serial.
यहाँ पे सीरियल नंबर एंटर करना है। अभी जो आपने कीजन सॉफ्टवेयर है उससे सीरियल की यूज एक्सपोर्ट कीजन टू जनरेट योर सीरियल की कॉपी पेस्ट एंड क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट कोरल। कॉन्टैक्ट कोरल पे क्लिक करना है। तो जो कीजन है हम अब उसको ओपन करते हैं। ये जो हमने कीजन ये देखिए हमको एक इस सॉफ्टवेयर के लिए एक सीरियल नंबर हमको दिया गया है इस कीजन सॉफ्टवेयर ने। आपको क्या करना है कि इसे कॉपी करना है, कॉपी, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और कॉन्ट्रैक्ट कॉरल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा एक पेज मिलेगा। आपको क्या करना है, हमने तो सीरियल नंबर पहले ही इसमें डाल दिया था तो ये यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ से इंस्टॉलेशन कोड जो है वो यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा कीजन में। तो चलिए करते हैं, यहाँ से ये कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट। उसके बाद एक हाइफ़न आपको देना है, उसके बाद ये कॉपी कर लीजिए यहाँ पे पेस्ट कीजिए, फिर एक हाइफ़न दीजिए, उसके बाद टिन नंबर कॉपी कीजिए यहाँ पे पेस्ट कीजिए, एक हाइफ़न दीजिए टिन। इस तरह सब जो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं उनको कॉपी पेस्ट कीजिए यहाँ, और बीच में हाइफ़न देना मत भूलना। देखिए हो गया। अब हम जब जनरेट एक्टिवेशन कोड में क्लिक करेंगे तो हमें अपना एक्टिवेशन कोड मिल जाएगा। ये देखिए हमें इसी की ज़रूरत, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। हो गया, और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। देखिए थैंक यू, योर परचेज इज नाउ कंप्लीट। आपका पूरा हो गया परचेज, और अभी आप चाहे तो आपका एक मतलब क्या बोलूँ एक्टिवेशन कोड एक प्रिंट करके रख सकते हैं। जब आप जब जो 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 आपको मतलब सीरियल की मिला था वो पीडीएफ फाइल में स्टोर करके रख सकते हैं, और उसके बाद जो आप चाहे स्टोर कर लीजिए, उसके बाद क्लोज पे क्लिक कीजिए। तो आपका काम हो गया। जो सॉफ्टवेयर हमने पहले लोड किया था वो सिर्फ 30 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर अब हमने जो ट्रिक यूज़ किया इससे हम ये जो सॉफ्टवेयर है तो वो मतलब ज़िंदगी के लिए पूरा यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो हमने जिसके लिए यूज़ किया था ये स्क्रीन कैप्चर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अभी ओपन हो रहा है, इससे ये देखिए इससे आप HD में स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, वो भी अनलिमिटेड टाइम के लिए। जैसे कि यहाँ नीचे आपको और भी सेटिंग मिलेगा करने के लिए, जैसे फाइल नेम कहाँ सेव करना है, किस फॉर्मेट में सेव करना है, फ्रेम रेट, क्या आपको बस रिकॉर्ड करना है या नहीं, तो सब कुछ एक्सेस में है। तो आप इससे मतलब ये मैं जिससे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे HD में रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन इस सॉफ्टवेयर से आप अपना मतलब स्क्रीन HD में रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी अनलिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। हम और भी ऐसे ट्रिक भरे वीडियो लाने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो सॉफ्टवेयर है इसका मतलब गाइड में अपलोड करने वाला हूँ, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।